चल, इसमें अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो जस्ट रेज योर हैंड्स। हमारी सब में आ रही है, ठीक है। चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमारा केस स्टडी में बेटे दो क्वेश्चंस लेफ्ट थे, देयर आर टू क्वेश्चंस लेफ्ट, ठीक है। केस स्टडी की थी हमने, यस मैम, यस, कौन बोल रहे हैं? साउंड इज लेस इन दिस क्लास 10th B। 10th B में कम आ रही है। आपकी यस क्लासेस में ठीक आ रही है? इन अदर सेक्शंस इसमें वॉइस क्लियर? मैम, तो फिर आप एक बार अपना माइक के तो पोजीशन चेंज करके देखिए जरा एक बार कहीं पे थोड़ा सा, कि बाकी सेक्शंस में तो ठीक आ रही है ना मेरी आवाज। यस 100% वॉल्यूम मैनुअली इट इज 10th B ना। स्टार्ट वॉल्यूम इज है ना, देखते हैं मे बी इन बिटवीन ठीक हो जाए। लेस। ऑडियो इशू आ रहा है। योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर, कैन यू प्लीज रिपीट? बेटे जस्ट ट्राई अदर क्लासेस, अदर सेक्शंस, इवन 10th B। अगर मेरी आवाज थोड़ी बहुत भी ऑडिबल है, जस्ट स्टार्ट डूइंग योर दोस क्वेश्चंस व्हिच वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास। देयर वाज टू क्वेश्चंस फ्रॉम द केस स्टडी, जस्ट स्टार्ट डूइंग देम। वन क्वेश्चन इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज R1 एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज R2, then the ratio is, this is the question। Tenth B, am I audible? At least you are getting what I am saying? Yes। चलिए चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज R1। वी हैव टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर रेजिस्टेंस इज R1। दिस इज द क्वेश्चन सेइंग, लेट अस से दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। Another thing, and when they are connected in parallel is R2। जब इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, देन द रेजिस्टेंस विल बिकम R2, कैपिटल R2, ठीक है। नाउ हाउ आई विल राइट 1/R2, हम इसके लिए लिख लेते हैं P। 1/RP = 1/R1 + 1/R2। Now, this total resistance is given us, क्या दिया गया इसके लिए हमें? इसको सॉल्व करें जरा एक बार। तो ये हमें क्या मिलेगा? R1 R2 and R2 plus R1, right? This is 1/RP. Now I'll take reciprocal, it will become R1 R2 अपॉन R1 + R2। इज दैट क्लियर? समझ आया? नाउ दिस विल बी माय सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, दिस टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज इन पैरेलल इज इक्विवेलेंट टू R2। नाउ आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। नाउ व्हाट इज R1? R1 plus R2 and by which number it is getting divided? ये किससे डिवाइड हो रहा है? R1 R2 upon R1 plus R2, ठीक है। तो मतलब यही है ना, R1 divided by R2
ऐसे इसका मतलब यही होता है, मैंने इस तरीके से लिखा है, ये आपको ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। इसको हटा दो तुम्हारा, आर वन प्लस आर टू इंटू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उस साइड, आर वन आर टू। तो ये देखो क्या मिला, आर वन प्लस आर टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन आर टू। सो दिस इज द रेशियो बिटवीन आर वन एंड आर टू, विच इज द राइट ऑप्शन नाउ सी। कंप्लीट कर लीजिए बेटा ये वाला क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन नंबरिंग क्या दी हुई है बेटा इसकी, इट्स इज इट 48th क्वेश्चन। ओके ओके, सो दिस क्वेश्चन इज 48। समझ आया बेटा, देर इज नथिंग इन द क्वेश्चन, सिंपली आपको आर वन आर टू की वैल्यूज नहीं दी हुई थी यहाँ पे, जैसे 2 ohms, 5 ohms, 10 ohms, वैल्यूज आर नॉट गिवन हियर। उसकी जगह हमें स्मॉल आर वन और आर टू दे दिया एंड जस्ट हमसे रेशियो पूछी गई थी, तो सिंपली हमने दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर, राइट। कंप्लीट कर लीजिए। ओके, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लुक एट क्वेश्चन नंबर 50। मैं रफ नहीं कर रही हूँ, किसी का कुछ स्टेप रहता है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, टू रेजिस्टेंसेस 10 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी। इफ देयर इज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर इन 10 ओम रेजिस्टर, द वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी इज। हमें यहाँ पर क्वेश्चन सारा रिवर्स कर दिया गया। एक्चुअली देखो क्या बोला गया, टू रेजिस्टेंसेस हैं 10 ओम एंड 3 ओम। लेट अस से दिस इज आर वन, दिस इज आर टू एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी। एक बैटरी के साथ उनको कनेक्ट किया गया, लाइक राइट। If there is a current of 0.2 ampere in 10 ohms, जो ये वाली साइड है हमने समझा था ना, पैरेलल में क्या होता है, यहां तक करंट आएगा एंड उसको दो अलग से पाथ मिल रहे हैं, द करंट इज गेटिंग टू डिफरेंट पाथ। सो हम सपोज कर लेते हैं, लेट देयर इज करंट आई एंड करंट आई वन इज गोइंग थ्रू दिस ब्रांच एंड करंट आई टू इज गोइंग थ्रू दिस ब्रांच, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग द करंट थ्रू 10 एम्पियर, 10 एम्पियर में करंट कितना जा रहा है, 0.2। यहां पर हमें आई वन की वैल्यू पता लग गई 0.2 एम्पियर। द वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी इज, हमें वी की कैलकुलेशन करनी है। हाउ विल यू डू, यस देखो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें। चलिए सबसे पहले तो आप मुझे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाइए इसका, व्हाट विल बी द आंसर। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, सीरीज का लगेगा, कॉम्बिनेशन का लगेगा, पैरेलल का। ओके, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो आप मुझे टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। It will be 1 upon RT will be 1 by 10 plus 1 by 3. So how much will be the value? 30 will be the LCM. 3 plus 10, it will be 13 by 30. This is 1 upon RP and RP is 30 by 13.
हमें टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल पता लग गया। अच्छा एक और सिंपल सा मेथड था, हमें टोटल तक जाने की भी जरूरत नहीं है। डू यू नो दैट जो पोटेंशियल होता है वो पैरेलल में सेम रहता है। अगर आपके पास सपोज करो यहां पर एक बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की, लेट अस से दिस इज अ 4 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट बैटरी, एनी बैटरी, तो जो यहां पर रेजिस्टेंस है ना R1, उसका जो पोटेंशियल होगा वो भी आपका 4 वोल्ट होगा। इस वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल जो वोल्टेज है वो भी आपकी कितनी होगी, 4 वोल्ट होगी। ठीक है, दोनों की पोटेंशियल कितनी होगी, 4 वोल्ट। अगर 5-6 कनेक्शंस और भी लगे होंगे ना पैरेलल में, उन सबका जो पोटेंशियल है दैट विल बी 4 वोल्ट। हमारे घर में कितनी सप्लाई आती है पोटेंशियल की, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड इन आवर होम्स? यस, इट इज रफली 220। ठीक है, इट इज 220 वोल्ट। तो अगर हमारे ट्यूबलाइट ऑन है उसका पोटेंशियल कितना है, 220। फैन ऑन है, वोल्टेज है 220, बल्ब है 220, एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विच इज रनिंग एट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन हमारे जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो हाउस होल्ड सर्किट होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है या पैरेलल में, क्यों होता है? तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो पोटेंशियल होता है वो हमारा सेम रहता है इन द पैरेलल सर्किट। तो कैन यू कैलकुलेट द पोटेंशियल फ्रॉम दिस डेटा, क्या आप इस इंफॉर्मेशन से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो इस क्वेश्चन में? आपको फिर वो स्टेप करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, यू डोंट नीड दिस। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा आपका करने के लिए, हम डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक है, सो नाउ R1 इज गिवन, R1 इज 10 ओम, I1 इज 0.2 वोल्ट। फ्रॉम R एंड V कैन यू कैलकुलेट V, R एंड I, सॉरी IR, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? I R. तो हम यहाँ पे I1 R1 ले लेते हैं। I1 इज 0.2, R1 इज 10, 2 बाय 10 इंटू 10 कैंसिल, 2 वोल्ट। तो अगर मुझे यहाँ पर 2 वोल्ट पोटेंशियल मिला तो R2 के अलोंग कितना पोटेंशियल होगा, 2 वोल्ट। तो ये वाला पोटेंशियल कितना होगा, 2 वोल्ट होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज इन पैरेलल, राइट बेटा? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? केस स्टडीज में जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, दे आर नॉर्मली ओरल क्वेश्चन। हो सकते हैं कि हमें देखने में लगे वो न्यूमेरिकल है, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, होगा कि नहीं होगा, बट जनरली दे आर ओरल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ट्राई किया करो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हटकर सोचने की, सिंपल सॉल्व करने से अलग थोड़ा सा हम ये सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन मे बी सिंपल हो सकता है, हम एक बार इसको सोच कर देख लेते हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 4 एग्जैक्टली। ठीक है, बट उसमें जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस है ना बेटा, वो मैंने सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के ही दिए हैं, एंड दे आर लिटिल बिट लाइक आपने कल जो लास्ट क्लास में किया था वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, ये थोड़ी सी हमारे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स हैं। ये समझ आ गया सबको क्वेश्चन? चल क्वेश्चन नंबर 51 करें स्टार्ट। व्हाट्स टू ट्राई, कौन कौन ट्राई करना चाहता है अपने आप से, जस्ट रेज योर हैंड्स। ये देखो मेरी आवाज सुननी बंद हो गई, अब आप ही कर दो मैम, है ना? ये बढ़िया है, सारा कुछ मुझसे ही लिखवाते रहो। चलो करके दिखाओ, कुछ हैंड्स रेज हुए 10th में, वेरी गुड।
चलो चलो, मैंने नहीं करना, करो जरा अपने आप से। हाँ 10th A में भी रेज हुए हैं अभी थोड़े से। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन से सेक्शन से आवाज आती है, किसका आंसर आया। एट पॉइंट फोर Who is saying this? बेटा just raise your hands, otherwise stand on your seat. मुझे पता नहीं लग रहा है ऐसे कौन से सेक्शन में से किसने बोला। एट पॉइंट फोर समवन सेज। टेंथ एफ, क्या नाम है आपका? टेंथ एफ, दोबारा बोलो नाम। हितांशु, हितांशु ओके ओके, वेरी गुड। चलिए गो बैक टू सीट। एनीवन एल्स? टेंथ एफ इज द विनर, है ना। अब सेकंड देखते हैं कौन आता है। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट्स और थोड़े से जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी चीजें समझी है। 8.4 एट पॉइंट फोर टेंथ ए, हु इज सेइंग? ओके, व्हाट्स योर नेम? नाम नहीं समझ आया बेटा आपका। रितेश रितेश, कितना आंसर है बेटा? 8.4 8.4, एग्जैक्टली द आंसर इज 8.4। दिखने में ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है, द क्वेश्चन इज नॉट सो डिफिकल्ट। सी, देयर आर थ्री रेजिस्टर्स ऑफ थ्री ओम हियर, ईच ऑफ थ्री ओम्स। ठीक है, अभी आपके पास ये सर्किट है, देन आपके पास यहाँ पर एक 5 ओम का सर्किट है, एंड यहाँ पर अगेन आपके पास टू रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। हाउ मच वैल्यू? वन इज ऑफ 4 ओम एंड वन इज ऑफ 6 ओम्स। नाउ यहाँ पर 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम, हाउ दे आर कनेक्टेड? पैरेलल पैरेलल में है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इट मीन इट इज 3/3, इट मीन 1। अगर मैं इसको 1/RP मान लू तो 1/RP, RP भी मुझे कितना मिला? 1 ओम। कैन आई रिप्लेस दिस होल सिस्टम विद 1 ओम? ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है? 5 ओम, इसमें कुछ भी नहीं था, ये सिंगल था बेचारा। और दूसरा है 4 ओम एंड 6 ओम। हाउ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड? इन पैरेलल इन पैरेलल। RP डैश ले लो, 1/4 प्लस 1/6, हाउ मच विल बी द LCM? 12, पैरेलल 4 3 12, 6 2 12, इट विल बी 5/12। सो RP डैश बिकम्स 12/5, हाउ मच इट विल बी? 2.4। तो क्या हम ये थर्ड वाले पार्ट को 2.4 ओम से रिप्लेस कर दें? Yes. कर दिया। चलो नाउ हाउ 1 ओम, 5 ओम एंड 2.4 ओम्स आर कनेक्टेड? In series. ऑल आर इन सीरीज नाउ, सो आर एस विल बी 1 ओम प्लस 5 प्लस 2.4, इट विल बी 8.4 ओम्स। दिस विल बी योर राइट आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने भी कर लिया था दैट्स वेरी गुड। चलिए, सिंपल था क्वेश्चन, है ना। डायग्राम दिख रहा था थोड़ा सा बड़ा बड़ा, पर क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 52। ये नोट कर लियो, कर लो बेटा जल्दी से, अगर नहीं किया तो। गिविंग यू 1 मिनट मोर। जस्ट स्टार्ट ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 52, जिन्होंने ये 51 कर लिया, ठीक है।
चलो सर इस 4 ओम 4 ओम्स ओके जी चेक कर लेते हैं एंड हु हैज गिवन मी द आंसर फ्रॉम विच सेक्शन 10th सी ई ई आज तो छा गई 10th ही है ना दो राइट आंसर मिल चुके हैं मुझे 10th ही से सबसे पहले चलिए ये भी मैं नाउ देखो बेटा करना क्या है इस क्वेश्चन में आप मुझे ना एक चीज बताइए यहां तक अगर करंट स्टार्ट हुआ अगर यहां से करंट आए गया तो मानो इस वाले सर्किट में से करंट कितना आ रहा है आए जा रहा है यहां जाकर करंट क्या हो गया क्लिक हो गया I1 एंड I2 ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला 1 ओम ये वाला 1 ओम एंड ये वाला 1 ओम ये सब किसमें कनेक्टेड है सीरीज सीरीज 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम मतलब इस पार्ट का आंसर हम लिख सकते हैं क्या बन जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3 ओम 2 ओम 2 ओम एंड ये भी I2 तो ये वन ठीक है नाउ दिस 3 2 ओम्स रेजिस्टर्स हाउ दे आर कनेक्टेड ये भी सीरीज में है ये पता लगा कि मैंने क्यों लिखा है बस रैंडमली मत बोल देना बेटा क्यों सीरीज में है क्योंकि एक ही वायर के साथ है देखो यहाँ पे 2 ओम में I2 करंट है इस 2 ओम में भी I2 करंट यहाँ पर भी I2 करंट यहाँ जाकर I2 और I1 जो ऊपर से आ रहा है वो फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे और इधर से फिर करंट चला जाएगा समझ आया बेटा ठीक है नाउ ये हमारे पास आया 3 और ये आया 6 मतलब इस पूरे को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकती हूँ 3 ओम इस नीचे वाले को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं तो अभी इसको ज्वाइन कर दें ऐसे दो रेजिस्टेंस हमारे बाहर रखे हुए कौन कौन से 1 ओम एंड 1 ओम ना अब भी तो बड़ा सिंपल हो गया बेटा क्वेश्चन है ना अब सिंपल हो गया ना नाउ दिस 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल 1/3 + 1/6 एलसीएम विल बी 6 2 + 1 3/6 1/2 एंड 1 कौन RP था तो RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल मुझे मिला 2 ओम अब क्या इस पूरे सिस्टम को हम 2 ओम से रिप्लेस कर दें इन दोनों को सॉल्व करके आया ना 2 ओम तो अगर मैं इसको हटा दूं और यहां पर हम एक क्या लगा दें 2 ओम का रेजिस्टर लगा दें नाउ हाउ ऑल दीज आर कनेक्टेड विल बी द आंसर और वेरी गुड शाबाश चलो अभी क्लियर हो गया टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होते हैं ठीक है डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल रेजिस्टेंस हमने काफी तरह के मेथड पढ़ लिए हैं बेटा प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है अगर बेसिक समझ आ जाएगा तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओगे फ्रॉम एनी बुक एनी रेफरेंस बुक आपके टीचर्स करवा रहे हैं वो भी कितनी मेहनत करते हैं है ना चलिए अब आगे देखते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट एंड पावर दो टॉपिक्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं विच टॉपिक्स आर गिवन हीटिंग इफेक्ट पावर एंड पावर इस क्या इस टॉपिक का ये टॉपिक हो गया ना क्लास में आपका स्कूल में कर लिया आपने
मॉस नहीं आया, जस्ट टेल मी बेटा, उसी के अकॉर्डिंग में स्टार्ट करूंगी ना फिर ये टॉपिक अगर no. नहीं किया yes, हो गया। यस वाले कौन से सेक्शन से, जस्ट रेज योर हैंड्स। मैथ सेक्शन डी में हो गया है, ई में होगी, एफ में भी हो गया, एफ में भी हो गया, ए सी और डी सेक्शन में नहीं हुआ। ठीक है, अभी कैसे करें फिर, ये तो मिक्स सा चैप्टर हो गया टॉपिक। चलो बेसिकली मैं ब्रीफ आपको कर रही हूँ, जिनका हो गया तब भी ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं इस टॉपिक को। नाउ व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? आपने कभी नोटिस किया कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब बहुत देर के लिए ऑन रह जाती है, बहुत देर क्या, कोई जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है वो तो बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, कई जो पहले येलो वाले बल्ब आते थे उनको तो आप 2 मिनट बाद पकड़ नहीं सकते थे, 2 मिनट भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, ऑन करने के कुछ टाइम पीरियड बाद ही हम उन बल्ब को न्यूट हैंड से होल्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इतने गर्म हो जाते थे। आपने देखा होगा हमारे इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, हीटर है, ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और ये गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। कब गर्म होता है, हम अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो, हम बोलते हैं लाइट चली गई, बिजली चली गई, क्या तब वो चीजें गर्म कर सकते हो? क्या आप अपनी यूनिफॉर्म आयरन कर सकते हो? कर सकते हो? सैंडविच बना सकते हो अगर टोस्टर में बनाने हो, इलेक्ट्रिक टोस्टर में बनाने हो तो क्या सैंडविच बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि करंट पास नहीं हो रहा, करंट नहीं आया तो हीटिंग नहीं आएगी। That is why this is called heating effect of electric current. मतलब जब कभी भी करंट पास होगा तो वहां पर हीटिंग होगी ही होगी। डिपेंड करेगा जो करंट पास हो रहा है वो कैसी डिवाइस में से पास हो रहा है, हाई रेजिस्टेंस वाली डिवाइस में से पास हो रहा है या कम रेजिस्टेंस में से, जैसे कि अगर एल्यूमिनियम में से पास हो रहा है, एल्यूमिनियम मीन्स एक मेटल जिसका लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। और क्या ले सकते हो आप, एक एलॉय ले लो, एलॉय जैसे कि आपने नाइक्रोम ले लिया, नाइक्रोम इसमें है हाई रेजिस्टेंस। अगर करंट हमारा लो रेजिस्टेंस वाली डिवाइस में, कोई भी मेटल आप ले सकते हो, कॉपर भी हो गया और ले सकते हो, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो एनी मेटल कुछ भी ले सकते हो, आयरन हो गया, ठीक है, एनीथिंग, एनी डिवाइस विच हैज लो रेजिस्टेंस, तो उसमें से अगर करंट को पास किया जाए देन व्हाट विल हैपन, हाई हीट होनी चाहिए या लो हीट होनी चाहिए? यहाँ पर होगी लो हीट। अभी मैं समझाती हूँ क्यों। यहाँ अगर हाई रेजिस्टेंस होगा और हम करंट पास कर रहे हैं देन द हीट विल बी हीट मोर, बहुत हाई हीट होगी, ठीक है। अभी देखो आप फिर भूल गए हो बेटा, लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ पर वापस आ जाओ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और हम बोल सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। नाउ इफ रेजिस्टेंस इज हाई लो सॉरी देन करंट विल बी मोर, अगर करंट ज्यादा पास हो रहा है, समझ रहे हो ना, मेरी जो वायर्स हैं, मेटलिक वायर्स जो हैं, दे हैव लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस मींस हाई करंट, मतलब करंट उसमें से आराम से निकल रहा है, ब्लॉकेज ही नहीं कोई, आराम से करंट पास हो रहा है, हीट जो होगी वो कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जैसे कि कनेक्टिंग वायर्स होती है आपके टोस्टर्स के साथ, इलेक्ट्रिक आयरन के साथ जो वायर्स कनेक्ट होती है, क्या वो बहुत गर्म हो जाती है जितना कि आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर या आयरन गर्म हो रही है, क्या उतनी गर्म वो वायर्स होती है? बताइए, वायर्स गर्म ज्यादा होती है या प्रेस आयरन जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो ज्यादा गर्म हो जाएगी? वायर क्यों गर्म नहीं हुई, क्योंकि या तो वो कॉपर की होगी या वो एल्यूमिनियम की होगी वायर। कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर है तो उसमें से करंट इजीली पास हो रहे हैं, करंट इजीली पास हो रहा है तो हीट क्या होगी उन वायर्स में, कम हो जाए, राइट बेटा, अंडरस्टैंड?
Now, when we are talking about alloys, alloys like nichrome, other alloys are also there. Manganese होता है, alnico होता है. There are so many alloys. ठीक है? तो वो आपके एक ना बुक में टेबल बना होगा रेजिस्टिविटी की वैल्यूज वाला. यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है. यहाँ उनकी वैल्यूज दे रखी. यहाँ शायद वैल्यू दे रखी है. यहाँ मेटल, फिर यहाँ पे टेबल है, फिर यहाँ एलॉय लिखा हुआ है, और फिर इंसुलेटर लिखा हुआ है, रबर वुड वगैरह पर. तो यहाँ पे आप वैल्यूज चेक करना रेजिस्टिविटी. ये समझ आया? एलॉयज का रेजिस्टेंस हाई होता है. हाई रेजिस्टेंस मीन अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट कम हो जाएगा. अगर करंट लेस पास हो रहा है, करंट इज लेस, इस केस में करंट इज मोर. अगर करंट लेस पास हो रहा है तो हीटिंग क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज. हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, यू कैन राइट द आंसर दिस वन. मैक्सिमम केसेस में ये आपका आंसर चलेगा कि वो गर्म क्यों हो जाता है, वो कम गर्म क्यों हुआ, वो ज्यादा गर्म क्यों हुआ, उसमें हीटिंग ज्यादा क्यों प्रोड्यूस हुई. यही हीटिंग ज्यादा क्यों प्रोड्यूस हुई? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा था, करंट लेस पास हो रहा था, इसलिए हीटिंग ज्यादा थी. अगर पूछे हीट लेस क्यों थी या वो मेल्ट क्यों नहीं हुई चीज, कोई भी चीज अगर मेल्ट नहीं हुई तो क्या हो रहा है? हीटिंग कम है उसके अंदर. ठीक है, आया समझ? यस. अब जो हमारा हीट है ना बेटा, हीटिंग इफेक्ट, उसको हम एच से डिनोट करते हैं. जो इसका बेसिक फॉर्मूला है दैट इज आई स्क्वायर इनटू आर इनटू टी. दिस इज आल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल, काफी टाइम बाद सुना हुआ है नाम ही जूल. यस. कहाँ सुना? किसकी यूनिट होती है ये? किसकी यूनिट होती है? जूल होती है. और किसी की यूनिट होती है जूल? नाइन्थ में पढ़ा है, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ा. पावर की तो वाट होती है. ठीक है, ये पढ़ेगा. पावर की यूनिट जूल होती है ना? पावर की यूनिट जूल नहीं होती, पावर की वाट होती है. साइंटिस्ट पीटेगा आके मेरे को जूल बना दिया. ये सब साइंटिस्ट के नेम है जिनके नाम पे यूनिट्स रखी गई हैं. ठीक है, और होती है एनर्जी की. एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है. नाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हीट आल्सो हैज अ एनर्जी यूनिट, सॉरी जूल. ठीक है, मतलब ये सारे कहां से कॉन्सेप्ट आए? जूल से. साइंटिस्ट एक ही है इनका. ठीक है, सबका फादर एक है. ठीक है, चलिए. नाउ दिस इज अ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इज इट क्लियर? यस. देयर आर नंबर ऑफ अनदर फॉर्मूला ऑफ हीट. अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी वो फॉर्मूला. नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक पावर. ठीक है, यहीं पे समझते हैं, फिर मैं सारा रख करके समझाऊंगा. पावर की डेफिनेशन क्या होती है? नाइन्थ में पढ़ी हुई है. डेफिनेशन ऑफ पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन. रेट एट विच वर्क इज डन, जहां पे रेट आ गया वहां पर मैक्सिमम टाइम डिवीजन आती है विथ टाइम. रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. देयर आर अनदर फॉर्मूलाज ऑल्सो. एक पावर का फॉर्मूला होता है V into I. V is potential and I is current. समझ आ गया बेटा? Is that clear? देखो, resistance की बात हो जाए तो V और I एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए. पावर की बात हो जाए, स्ट्रॉन्ग बनना है इन दोनों को, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. मल्टीप्लाई होकर वैल्यू बड़ी आती है ना. पावरफुल हो जाएंगे. पावर बी इंटू रेजिस्टेंस रोकता है तो इनमें लड़ाई करवा दी. बी अपॉन आई. ठीक है, चलिए अभी अनदर फॉर्मूला है. आई एम गोइंग टू डिस्कस. यूनिट समझ आ गई आपको? यस.
हीटिंग इफेक्ट क्लियर हो गया आपको ना? इसके इक्वल बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप देख लेना, आई थिंक इसी में प्रॉब्लम अब आनी नहीं चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी सेम ही हो ना। अब हमारे पास फॉर्मूलास बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे छोटा सा टेबल बनाकर देख रही हूँ, दिस इज टाइम, ठीक है? ना पहले हम लिखते हैं पावर के फॉर्मूला। पावर का फर्स्ट फॉर्मूला इज वी इंटू आई, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर, फिर होता है वी स्क्वेयर अपॉन आर, एंड लास्ट में होता है वर्क डन अपॉन टाइम। दिस कैन बी रिटन एज एनर्जी अपॉन टाइम। अभी हमने देखा था वर्क और एनर्जी शेयर्स द सेम यूनिट, तो वी कैन राइट डब्ल्यू एंड ई इंटरचेंजेबली, ठीक है ना? अब हमारे पास हीटिंग के भी फॉर्मूला है, हीट के फॉर्मूलाज क्या क्या है? अब कितने सारे फॉर्मूलाज हो गए ना, व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ हीट? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ यही याद करना है, वो साइड आपको याद नहीं करनी। कैसे करोगे? सिंपल, हीट के हर एक फॉर्मूला में आप क्या लगा दोगे? टी लगा दो, राइट? अब ये देखो क्या बनेगा यहां पर। हीट का फॉर्मूला अगर लिखना है, हमने क्या किया, हर एक वैल्यू को हम टी लिख रहे हैं साथ में। वर्क डन अपॉन टाइम था, यहां भी मैंने टी लिख दिया बाकी सब की तरह, बट इस केस में टी और टी कैंसल हो गया, तो मुझे क्या मिला, हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन। जितना ज्यादा वर्क होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। आपने फैन को 5 मिनट के लिए ऑन किया, उसकी मोटर कम गर्म होगी, आपने 1 घंटे के लिए ऑन किया तो ज्यादा गर्म हो जाएगी। फैन ने कम वर्क किया तो कम हीट, फैन ने ज्यादा वर्क किया तो ज्यादा हीट। समझ आए फॉर्मूलास? Yes. मतलब पावर से अगर हीट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दीजिए, अगर हीट से आपने पावर में आना है तो डिवाइड बाय टाइम कर दीजिए। आप हर एक फॉर्मूले को जब टाइम से डिवाइड करोगे, जैसे डिवाइड बाय टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा, यू विल कम बैक टू द फॉर्मूला ऑफ पावर। समझ आई बेटा ये चीज? Yes. ठीक है, सिंपल। नो डाउट बेटा, देर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूला, बट देयर इज अ ट्रिक फॉर एवरीथिंग। ठीक है, हमने जंबल अपनी करना, सारा कुछ मिक्स नहीं करना, हमने एक तरीके से याद कर लेनी, ठीक है? इनको सॉल्व करने का तरीका भी है बेटा, देन क्लास विल बिकम सो लेंथी। अगर मैं आपको सबका वे एक्सप्लेन करूंगी तो यही कवर होगा फिर। तो फिलहाल आप एक बार ये देखो फिर, ताकि हम आगे के क्वेश्चंस कर सके। ये एक्स नहीं है, बेसिकली मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना इस चीज। हो जाएगा, नोट कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से। दिस इज़ द मेन फॉर्मूला ऑफ हीट। इस फॉर्मूले को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, ठीक है? अब देखो, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपको अगर सारे फॉर्मूलाज आते होंगे तो एग्जाम में जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आता है, आप देख लोगे अगर क्वेश्चन में वी और आई गिवन है एंड यू नीड टू कैलकुलेट पावर, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। वी नहीं गिवन क्वेश्चन में, आई और आर गिवन है, ये पावर का फॉर्मूला लग जाएगा। वी भी सॉरी आई नहीं पता, वी और आर पता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सब पावर के फॉर्मूलाज है, ठीक है? और कई बार हमें ना वी पता है, ना आई पता है, ना आर पता है, वर्क और टाइम दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है? ये नोट कर लिया बेटा सबने? Yes. अच्छा, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में लास्ट में आई थिंक 21st, 22nd, 23rd करके एक क्वेश्चन भी है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड।
अब मुझे ये बताइए, इस केस में आप हीट कैलकुलेट करोगे या कुछ और कैलकुलेट करोगे? क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह मैं कुछ लिख देती फिर तो सबने बता ही देना ना। वर्क डन और हीट तो सेम ही चीज होगी ना बेटा, अभी हमने डिस्कस किया। पावर, पावर फ्रॉम टेंथ है, हु सेज दिस? विकांश। टेंथ है, आई थिंक आपने पहले भी आंसर दिया था। टेंथ है, ओके जी दिव्यांश, चलिए वेरी गुड बेटा। वी विल कैलकुलेट पावर, इस टर्म को स्टार मार्क बनाकर कहीं पे नोट करके रख लो। ही रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस मींस यू कैलकुलेट पावर नॉट हीट, कैलकुलेट पावर नॉट हीट, ठीक है जी। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, पावर का फॉर्मूला यही क्या है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ वर्क डन, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। वर्क बोलो या हीट बोलो एक ही चीज है, समझ आई बेटा ये चीज? फटाफट एक बार वर्कशीट देख लेते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। व्हेन अ करंट आई फ्लोस थ्रू ए रेजिस्टेंस आर फोर टाइम, टी आना था बेटा साथ में, फोर टाइम टी, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज? यस ए ऑप्शन, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ पावर? ये देखो अभी तो हमने सब कर लिया ना, अब जल्दी जल्दी से आंसर आने चाहिए। पावर के फॉर्मूला मैंने रख कर दिए, पावर के फॉर्मूला से वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर एंड वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी, इनमें से कौन सा फॉर्मूला पावर का नहीं है? वी अपॉन आर। किसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर? वी अपॉन आर इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? R is equals to V upon I, Ohm's law. Okay? Now, 55th question, the SI unit of power is what? It can also be written as? Anji, dekho, energy is joule, time is second. It can also be written as joule per second. Which of the following is the SI unit of heat produced? Joule. Joule. का भी जल्दी से बता दीजिए। B option. 57th बेटा, the heating effect of current depends upon. हाँ, वो आपके अकॉर्डिंग B ठीक है, बट जो हीटिंग है ना बेटा, देखो दिस इज द हीटिंग, ये देखिए जरा, दिस इज द हीटिंग, रेजिस्टेंस पर डेफिनेटली डिपेंड करती है, टाइम पे भी तो डिपेंड करती है। अभी मैंने बोला 5 मिनट के लिए फैन चलाया या 1 घंटे के लिए चलाया, तब ही डिपेंड करेगा ना, तो टाइम पे भी, करंट पे भी डिपेंड करेगा। एक डिवाइस है और नाउ करके, तो ये तीनों पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। चलिए 58, डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक किलोवाट है, किलोवाट इज व्हाट? वॉट इज व्हाट? पावर। किलोवाट भी पावर की यूनिट है, पी पार्ट, ओके। एंड किलोवाट आर, किलोवाट आर, हां जी ये किसकी यूनिट होती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल मतलब जो लार्ज स्केल पे हम देखते हैं ना, ठीक है, दिस इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो लार्ज स्केल पर यूज होती है, कमर्शियल, ठीक है, जहां हमें जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स आते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं ना, दे आर इन किलोवाट आवर्स। नाउ 1 किलोवाट आवर मींस 1 यूनिट, हम कहते हैं ना कि इतनी यूनिट की, सबने सुन रखा होगा, यू आर द 10th क्लास स्टूडेंट,
आई होप आपने ये टर्म सुन रखी होगी कि कितनी यूनिट लग गई इस महीने, कितनी यूनिट। आजकल तो मान जी है ना बड़े मेहरबान हुए बड़े पंजाब वालों पर, बिजली का बिल नहीं आ रहा है ना। कितनी यूनिट तक फ्री है, कब तक बिल नहीं आएगा? 600 यूनिट है ना, 600 यूनिट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 601 भी हो गई तो पूरा बिल लगकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यूनिट वर्ड यूज किया ना आपने 600 यूनिट। 600 यूनिट मतलब 600 यूनिट मींस आप 600 किलोवाट आर से ज्यादा यूनिट यूज नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हो। अगर फ्री बिल चाहिए कर सकते हो, फ्री चाहिए तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, चले आगे। राइट आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। चलो जल्दी से देख लेते हैं एक बार। द इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट रेटेड, देखो 400 वॉट एंड वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर, दिस इज पावर, हमें पावर गिवन। ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 8 आवर्स पर डे यूज हो रहा है। ठीक है जी, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रुपीज 5 पर किलो वॉट आवर। एक यूनिट खर्च करने के आपको तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपए, 5 रुपीज यू हैव टू पे फॉर 1 यूनिट। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग द रेफ्रिजरेटर फॉर 1 डे। अगर वो रेफ्रिजरेटर पूरा एक दिन चल रहा है, मतलब 8 घंटे एक दिन में चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा उस रेफ्रिजरेटर? समझ आई ये चीज? वेरी गुड, शाबाश। नाउ हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी। नाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर एनर्जी, क्योंकि मुझे पावर पता है और टाइम पता है। बट यहां पर जब हमें बिल कैलकुलेट करना है, देन वी नीड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? किलोवाट आवर। ये तो हमारा वॉट में बैठा है जी, अब इसको कैसे करें किलोवाट में? 400 क्या करूं कि किलोवाट में हो जाए? हमें वॉट से किलोवाट में आने के लिए डिवाइड करना पड़ता है बेटा। तो ये जीरो जीरो कैंसिल, कीप इट एज इट, 4/10 ही रख लो इसको फिलहाल। ठीक है, तो पावर इज 4/10, टाइम इज 8 पर डे है। अगर मुझे 2 दिन का बोला होता तो 8 to the 16, फिर हम यहाँ पर 16 ले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 16। तो या तो इसको ऐसे ही रख लो, 2 to the 4, 2 × 5 = 10, इट विल बी 16/5। कितना आ रहा है? 16/5 किलो वॉट आवर, 1 डे की कॉस्ट। ठीक है, 1 डे की कॉस्ट निकाली है, कितनी यूनिट लगी हमारी? 16/5, और कितना रेट था उसका एक यूनिट का? 5 रुपीस। तो ये कैंसिल, कितना रुपीस, कितने रुपीस आ गए? Yes. ठीक है, 8 घंटे अगर एक फ्रिज चल रहा है तो उसकी कॉस्ट हमें कितनी देनी पड़ रही है? 16 रुपीस, अगर वो 400 वॉट का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। समझ आया बेटा टॉपिक आपको? हीटिंग इफेक्ट समझ आ रहे हैं? Yes. पावर वाला, हीटिंग इफेक्ट वाला। रिवाइज कर लेना बेटा इसको साथ के साथ, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चलिए 16th क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चलिए ए, याद भी रखना पड़ेगा। ए ठीक है, 1 वॉट आवर, ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ इट हैज कम? सी, 1 वॉट कैन बी रिटन एज 1 वॉट इनटू 1 आवर। इट कैन बी रिटन एज 1 वॉट इनटू 3600 सेकंड।
1 hour में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600. Now you just multiply, you will get 3600 watt second. And watt second is nothing but joule. Okay? So A is the right answer. Question number 61. It's very simple, beta. मैं आपको answers share कर रही हूँ इस question के. किसी का अगर answer नहीं आएगा ना, तो tomorrow I'll take your class for some time and I'll discuss these questions. They are very simple questions. Just आपने अब तक जितना ohms law, V, I, Q सब किए ना, वही हैं ये formulas. Just mark your answers. First is 4 ohms. Solve करने हैं. ठीक है. You have to solve them. First, the resistance of the filament is 4 ohms. Second is the B. 36 ohms. Very good. And what will be the answer of third question? 0.18 kilowatt hour. Exactly the same question जो हमने इससे पहले cost calculate करने वाला किया था, fridge वाला, refrigerator वाला. ठीक है? समझ आया बेटा इतना? आपकी केस स्टडी रह गई बेटा. Assertion reason देख लेते हैं एक बार, दो ही हैं, जल्दी से एक बार देख लेते हैं, बाकी आपके सिर्फ केस स्टडी रह गई है. I'll take class tomorrow, ठीक है? कुछ देर के लिए लूंगी फिर मैं आपकी. 66th question. Assertion: heating wire must have high resistance and high melting point. मस्ट हैव हाई, जिस वायर में हीट होना है, हीटिंग वायर मतलब जो आयरन के नीचे कॉइल्स वगैरह लगी होती है, वो कहते हैं ना हमारे ऐसे ऐसी कॉइलिंग होती है. ठीक है, इस वायर की बात कर रहे हैं कि इसका कैसा होना चाहिए. ये हमारी इलेक्ट्रिक आयरन के बेस पे लगी होती है अंदर की तरफ, ऐसी टोस्टर्स में भी लगी होती है. ठीक है, चलिए तो उसका कैसा होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तभी वो ज्यादा हीट देगी. एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो वो मेल्ट हो जाएगी जल्दी से, तो वैसा नहीं चाहिए. इट विल बी ट्रू. रीजन: लेस करंट विल पास इफ रेजिस्टेंस इज हाई एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर. यस, लेस करंट विल पास इफ रेजिस्टेंस इज हाई. ऑब्वियस ही बात है, अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी. सबसे पहले जो मैंने हीटिंग का टॉपिक स्टार्ट किया वहीं से मिल गया आपको क्वेश्चन, वही उल्टा पुल्टा हो रहा है. रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, फिर हीट ज्यादा. मोर द रेजिस्टेंस, मोर द हीट. ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हो हीट और रेजिस्टेंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मोर द रेजिस्टेंस, मोर विल बी द हीट. ठीक है, तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, ए और बी, बिकॉज बोथ आर ट्रू. A option. A. A ही जाएगी बेटा इसके साथ. ठीक है, एंड 67, जूल्स लॉ ऑफ हीट, हाउ लिखा हुआ बेटा, लॉ कर लो इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इज इट ट्रू और फॉल्स? एंड रीजन, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन द सीरीज सर्किट. अभी बताइए. ट्रू. ठीक है, और बेटा इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, फॉर सीरीज सर्किट. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रू. अगर यहाँ पे पैरेलल कर देते ना, देन ये फॉल्स हो जाता. ये बाद में समझना है, अगर टाइम है टीचर्स ले सकते हो क्या मैं 2 मिनट? यस. देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ टाइम इस क्वेश्चन का. आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा, हीट के आपके पास दो आई स्केयर इंटू आर इंटू टी एंड एक है वी स्केयर अपॉन आर इंटू टी. इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला सेज heat is directly proportional to R. Means if resistance is more, then heat will be more. ये ना इसकी direct का तो मतलब यही होता है ना, ये increase तो ये भी increase.
यहां पर अगर आप देखो ये ऊपर नीचे है तो यहां पर हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. अब तो कंफ्यूजन हो गई, ये ठीक है या ये ठीक है, बताइए दोनों ठीक है या दोनों गलत है. करेक्ट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज सर्किट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज देन दिस इज राइट. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पैरेलल सर्किट देन दिस विल बी राइट. देखो सीरीज में हमने समझा था करंट सेम रहता है, सीरीज में किया था ना कि करंट सेम रहते हैं. देखो कहां कहां इंटरकनेक्शंस निकल रहे हैं सारे चैप्टर के, समझ ना रिलेशन एक दूसरे टॉपिक के साथ. सीरीज में करंट सेम होता है तो हीट डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर डायरेक्टली, मोर का रेजिस्टेंस मोर विल बी द हीट. पैरेलल में क्या सेम रहते हैं, पैरेलल में अभी टू वोल्ट वाला हमारा आंसर आया था एक, पैरेलल में क्या सेम होते हैं वोल्टेज या वोल्टेज सेम. अगर वोल्टेज सेम दे रखी है पोटेंशियल सेम दे रखी है देन वी यूज दिस फॉर्मूला. ये हमारा सीरीज के केस में यूज होता है और ये फॉर्मूला ज्यादातर हमारा पैरेलल के केस मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैरेलल के लिए यूज होगा बी स्क्वायर बाय आर. तो जब भी क्वेश्चन है सीरीज के केस में आपसे, जैसे मैंने डाला हुआ रीजन में, अगर हीट और रेजिस्टेंस का रिलेशन सीरीज में पूछा जाए तो ये ट्रू होगा, अगर हीट और रेजिस्टेंस का रिलेशन पैरेलल में पूछा जाए तो ये ट्रू होगा. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कहीं पे इसको भी नोट करके रख लो, इसका रीजन भी लिख सकते हो. इस केस में करंट कॉन्स्टेंट होता है, इस केस में पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है. फर्स्ट केस एच इज प्रोपोर्शनल टू आर फॉर सीरीज बिकॉज करंट इज कॉन्स्टेंट, लिखिए तभी याद रहेगा. और दूसरे केस में हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल बिकॉज पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट. और यहां पर आप देखो वोल्टेज इज पोटेंशियल लिख लिया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलो यू आर लेफ्ट विथ केस स्टडी ओनली. ठीक है जी, कर लिया बेटा सबने नोट. यस, चलिए. So that's all for today. Bye everyone. Enjoy your day and enjoy the next classes. Take care. Bye everyone. Bye man. Okay, bye. Okay. Thanks. Yeah.